Good morning. Welcome to Evincing Academy. Today we are going to discuss a very common problem for the students, that how to retain whatever they learn for longer period of time. Basically, this is a problem that they read something but they are not able to retain for longer period of time, and that is why they need a revision of what they have studied again and again. I am going to tell you the method in which you can retain whatever you will read for longer period of time. इसलिए आज इस वीडियो का मकसद यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें, जो भी हम पढ़ते हैं उसको लंबे समय तक कैसे याद रखें, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और किस तरह से हम कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ सकें। तो उम्मीद है कि ये आपके काम आएगा और ये ऑलमोस्ट सभी प्रकार के बच्चों, सभी क्लास के बच्चों, सभी कैटेगरी के बच्चों, चाहे वो 11 12th के हों या जूनियर क्लासेस के हों या IAS की तैयारी कर रहे हो या MBA की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी तैयारी कर रहे हों, सबके लिए ये ज़रूरी बात है। तो ये सबको उम्मीद है कि फ़ायदा मिलेगा इससे, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और कैसे पढ़ें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन रख सकें, ताकि हम उसे ज़रूरत पड़ने पर रिप्रेजेंट कर सकें या उसे आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर सकें। चलिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि हम पढ़ते कैसे हैं अभी प्रेजेंटली, हाउ टू स्टडी। एग्जाम्पल के लिए, चूँकि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं अभी वो 11th और 12th के हैं, इसलिए हम इन्हीं से एग्जाम्पल लेते हैं कि 11th के बच्चे जो बैठे हैं ये कैसे पढ़ते हैं, इनको कैसे पढ़ना चाहिए। जब कोई भी बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आता है तो उसको, चूँकि सिलेबस का पैटर्न ऐसा है कि बहुत बड़ा गैप होता है और उसे समझ नहीं आती कि हम कैसे पढ़ें इतने लंबे लंबे टॉपिक को और उसे कैसे याद रखें। 10th क्लास में जितनी साइंस है पूरी किताब मिला करके, उतना का 11th का एक चैप्टर है सिर्फ, तो उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि 10th क्लास में तो इतना सारा पेजेज में हमने एक चैप्टर पढ़ा और यहाँ 11th में तो एक ही चैप्टर है जो इतना बड़ा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ले लूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, तो किसी दूसरे जो हेल्पफुल बुक है, दिनेश प्रदीप या इस तरह का कोई बुक है हेल्पफुल, जिसको अगर बच्चा पढ़ने लगे तो लगभग 225 पेज का है ये एक चैप्टर, पूरे न्यूमेरिकल वगैरह मिला करके, एक्सरसाइज वगैरह मिला करके लगभग 200-250 पेज का एक टॉपिक है। अब आप बताओ बच्चों, 200 एक दिन में तुम्हें कहा जाएगी केमिस्ट्री या फिजिक्स खुद से पढ़ना है, प्रदीप की किताब लंबी होती है, तो कितना पेज एक दिन में तुम मन लगा के अच्छी तरह से पढ़ सकते हो? एक दिन में कितना पेज पढ़ सकती हो? 30 आराम से पढ़ सकती है, उससे कुछ याद भी रहेगा, 10 याद हो जाएगी। इट्स अनबिलीवेबल, अगर तुम इतना स्टोर कर सकती हो तो इट्स रियली रिमार्केबल, और इतना तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ के कोई समझ सकता है एक दिन में 30 पेजों की केमिस्ट्री या फिजिक्स। तुम कितना कर सकती हो बताओ आयुष? 10 भी थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन चलो 10 आइडियल मान लेते हैं कि 10 पेज अगर एक दिन में कोई पढ़ के याद करे, क्योंकि बड़ा बड़ा होता है और पेज, और उसे आराम आराम से पढ़ के एक पेज पढ़ने में तकरीबन बढ़िया से अगर पढ़े तो उसे 40-45 मिनट तो लगेंगे, और उसे समझ के पढ़े तो 8-9 घंटे में 10 पेज पढ़ी जा सकती है, ठीक है, बशर्ते बहुत ज़्यादा बोर ना हो तो। और एक दिन में इससे ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का सलाह मैं कभी नहीं देता, तो ठीक है चलो 10 पेज मान लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर 10 पेज एक दिन में पढ़ा जाए, ठीक है, तो पढ़ने के बाद जब 10वां पेज पढ़ लेगी पूरा अपने से खुद से, तो उसमें से कितना परसेंट तुम्हें चीजें याद रह जाएगी? 10 पेज पढ़े अगर रोज के हिसाब से, तो एक चैप्टर खत्म करने में अगर 200 पेज का भी है तो कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन में एक
चैप्टर तुम एक सब्जेक्ट का पढ़ पाओगे, और अगर तीन चैप्टर पढ़ना है तो 20 दिन 60 दिन। तीन चैप्टर पढ़ने के लिए 60 दिन चाहिए, एक चैप्टर पढ़ने के लिए 20 दिन चाहिए, तीन चैप्टर पढ़ने के लिए 60 दिन चाहिए, और इस तरह से तीन फिजिक्स का, तीन केमिस्ट्री का, तीन मैथमेटिक्स का, तीन बायोलॉजी का करने में 4 महीने चाहिए, इंग्लिश और बाकी चीजें छोड़ दें तो 4 महीने बाद लगभग एग्जाम रहता है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट बच्चों का, कि अप्रैल में एडमिशन होती है और लगभग जुलाई अगस्त में एग्जाम होता है अगस्त में। तो थोड़ा सा ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि हर एक चैप्टर एक बार पढ़ सकता है बच्चा खुद से, ठीक है, खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए यही देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 200 पेज का कोई टॉपिक है, पेज 200 का, ये पेजेज है 200, और नंबर ऑफ डेज लग गया फर्स्ट रीडिंग में, नंबर ऑफ डेज फर्स्ट रीडिंग में कितना लग जाएगा, 20 दिन, ठीक है, और इसमें से मेमोरी में कितना आएगा, मेमोरी, मेमोरी मीन्स जस्ट आफ्टर कंप्लीशन, और रिटेंशन का मतलब हुआ रिटेंशन, रिटेन कितना रह पाएगा, रिटेंशन कितनी रह पाएगी ये देखेंगे। तो बताओ 20 दिन में अगर चैप्टर खत्म हो गया तो तुम्हारे मेमोरी में कितना आएगा, एक ही बार आपने रीड किया है, ढंग से पढ़ा है, कितना परसेंट चीजें आपको याद रहेगी अगर ढंग से पढ़ा, हाँ बताओ कितना परसेंट याद रहेगी, जल्दी जल्दी बोलो। 4 महीने बाद एग्जाम होने तक हम याद रखें, वो दिमाग में रह जाए, रिटेन रह जाए, वो कितना परसेंट होगा इसमें से, 10%, ठीक है, 10% रिटेन रह जाएगा। अब 10% अगर रिटेंशन है, आप 4 महीने बाद एग्जाम देंगे तो मार्क्स क्या 90% आएंगे 90% मार्क्स नहीं आएंगे। जब आपके पास रिटेंशन ही है 10% का, तो मार्क्स भी उसी हिसाब से आएगा। अभी ये चीजें थोड़ी एम्बिगुअस आपको लग रही होगी कि ऐसा तो होता नहीं है, ऐसे इसलिए नहीं होता कि आप इसके अलावा स्कूल में भी पढ़ते हो, अपने से सारी चीजें नहीं पढ़ते, कोचिंग भी पढ़ते हो, ट्यूशन भी पढ़ते हो, इसलिए आउटपुट थोड़ी 10% ना होगी, थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन ये स्थितियां हम तब की ले रहे हैं जब कोई बच्चा स्कूल में जाए, अपने से पढ़े, और 4 महीने बाद उसकी रिटेंशन कितनी रहेगी, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो सब चीजें हम बाद में कंसिडर करेंगे। अपने से कोई पढ़े 4 महीने बाद तो 10% रिटेंशन रह जाएगी, और वो अगर एग्जाम देगा तो उसका रिजल्ट जो होगा वो 10% से ऊपर नहीं आएगा, ये लिख के रखो, ठीक है। तो उससे ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि वो स्कूल भी जाता है, ठीक है, और बाकी चीजें भी कोचिंग से पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये पैरामीटर अभी हमने लिया है कि अगर उसने खुद से पढ़ाई करी तो इतना होगा, ऐसे ही सब सब्जेक्ट में होगा, तो 10% के आसपास आउटपुट आएगा, ठीक है। अब अगर इसको जब एग्जाम आता है तो एग्जाम आता है 2-3 दिन का गैप रहता है, उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, और ऐसे स्थिति में 3 दिन में फिर उसको 10% चीजें अगर आपको रिटेन है तो 90% चीजें फिर से चाहिए। तो इसका मतलब है कि पहले 20 दिन लगा है पढ़ने में, तो अब दोबारा रिवाइज करोगे कितना दिन लगेगा, पहले 20 दिन लगा है और 80% चीज याद है तो रिवाइज करने में कितना दिन लगेगा, 90% चाहिए, हाँ 90% चाहिए, तो पहले 20 दिन लगा है तो तकरीबन इस हिसाब से 18 दिन लगना चाहिए, क्योंकि 10% आपको याद है, तो 18 दिन अगर एक चैप्टर के लिए चाहिए तो तीन चैप्टर के लिए तो 27 दिन चाहिए, और 2 दिन का गैप होता है तो रिवीजन तो हो नहीं पाती है, रिवीजन हो नहीं पाती, और रिवीजन जब नहीं हो पाती तो क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। हमें आज इसी बात पे, इसी मुद्दे पे बात करनी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करें। सबसे पहले पढ़ने का तरीका, दूसरी बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको इससे लगेगा 18 दिन ये 200 पेज पढ़ने में, और फिर तब मेमोरी कितना चली जाएगी बताओ, कितना हो जाएगा, 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 30% मेमोरी में चली जाएगी अगर उतने दिन बाद पढ़े तो, और तब रिटेंशन कितनी रह जाएगी, 20%, ठीक है। तीसरी बार अगर इसे पढ़े तो कितना टाइम लगेगा बताओ,
रिवाइज करे तो हाँ 16 दिन 15 दिन लग जाएगा। तब ये बढ़ के कितना हो जाएगा 30-35%, ठीक है। और सब रिटेंशन कितनी रह जाएगी 30%, ठीक है। अच्छा ये भी मान लेते हैं, चौथी बार अगर पढ़ोगे तो कितना होएगा बताओ? चौथी बार 10 दिन, ठीक है। 10 दिन ये कितना हो जाएगा 40-50% चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी और मेमोरी बढ़ के 30-35% हो जाएगी। पांचवी बार पढ़ेंगे 200 पेज कितने दिन लगेगा? 5 दिन मान लो, है ना। अब बहुत तेजी से होगा, 50% चीजें याद है तो जल्दी से फटाफट दिमाग में आता जाएगा। आप 5 ही दिन में पढ़ डालोगे तो हो सकता है कि मेमोरी कितनी हो जाएगी 60-70% और आपका आउटपुट यहाँ पे 50-60% तक आ सकता है, ठीक है। यानी अमूमन यहाँ तक हम मान ले तो 20 और 18, 20 और 25 और 5, 30 और 20, 50 और 10, 60, 68 दिन खर्च करने के बाद आपका आउटपुट 50-60% होता है। और यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आम बच्चों का होता है जो बहुत सिंसियर है, जो एग्जाम के पहले एक दो बार कम से कम रिवाइज करते हैं, एक बार खुद पढ़ा, एक बार स्कूल में पढ़ा दिया, एक बार कोचिंग में पढ़ लिया, दो बार खुद से अगर रिवाइज कर लिया तब भी उस बच्चे का आउटपुट 50-60% रहता है, इससे ज्यादा नहीं आता स्कूल में। और आमतौर पर जो जनरलाइज बच्चे होते हैं उनका रिजल्ट 11th में इसी के आसपास होता है, इससे बहुत ऊपर नहीं होता। जो इससे ज्यादा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, अगर उन्होंने एक बार और रिवाइज कर लिया, 5-1 दिन और लगाया, 8 दिन और लगाया, 2-3 बार और रिवाइज कर लिया, 7 दिन लगाया, मान लो हम मान लेते हैं कि दूसरी बार पढ़ने में इसे 3 दिन लगा दिया और फिर तीसरी बार पढ़ने में 2-4 दिन और 3 दिन और लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में उसके 75 दिन हो गए। तो जो बच्चा 4 बार अपने से रिवाइज करेगा ऑफकोर्स उसका नंबर 70-75%, 80% ये आ जाएगा, 80% के आसपास उसके नंबर आ सकते हैं। ये रिटेंशन यहाँ पे होगी किसी तरह से 80-85% और यहाँ 85-95% चीजें उसके दिमाग में मेमोरी में जाएगी, बट आउटपुट 75-70-80% के आसपास ही रहेगा, ये इससे आगे नहीं जाएगा। तो ये एक जनरलाइज फैक्टर है कि 75 डेज के काम करने के पश्चात बच्चा ये स्थिति में जाएगा। जो जनरल बच्चे होते हैं वो यहाँ पे अटक जाते हैं, जो थोड़े इंटेलिजेंट है वो यहाँ पे जाते हैं, जो इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम कह रहे हैं इसके 1/5 टाइम में इससे बेहतर रिजल्ट निकाला जा सकता है, इसके 5 गुना कम समय में इससे 4 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकाली जा सकती है। कैसे? यही चीज आज सीखना है कि कैसे हम पढ़ें कि हम इससे कम समय लगा करके जो 75 दिन लगा है वो 75 दिन न लगे, वो बहुत कम समय लगे उसके कंपैरिजन में, और हमारा आउटपुट जो हो वो बहुत ज्यादा हो, बहुत बेहतर हो। बात समझ आ रही है? तो यही चीज आज सीखना है कि हम समय लगाएं कम और आउटपुट ज्यादा रहे, और एक बार के लिए नहीं हमेशा के लिए रहे, ऐसा कैसे करें? तो चलो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये जो आउटपुट है इसी के साथ साथ पैरेलल लिखते हैं। पहली बार आपने खुद नहीं पढ़ा, पहली बार आपको स्कूल में पढ़ा दिया, ठीक है, उसको हम टाइम में नहीं काउंट करते, स्कूल में आपको पढ़ा दिया। अच्छा पहले बाद ही आपने मान लिया कि खुद से भी पढ़ा स्कूल में जाने के पहले, और खुद से पढ़ा तो आपकी मेमोरी 20-10% रह गई ये 20 दिन, ठीक है। अपने खुद से पढ़ा तो ये होगा, अगर स्कूल में पढ़ लिया है उसके बाद आके घर पे पढ़ा तो ये आपको इतना दिन नहीं लगेगा। अगर स्कूल में पढ़ लिया, स्कूल में तो आप जाते ही जाते हैं, तो स्कूल में आप पढ़ के और आके सेम डे रिवाइज करोगे तो कुल इनपुट जो उसको रिवाइज करने का लगेगा वो 8 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। 8 दिन में आप रिवाइज कर सकते, क्योंकि स्कूल में एक टॉपिक अमूमन कितना 20 लेक्चर में खत्म हो जाता है। 20 लेक्चर जो होता है वो कितने दिन में होता है? एक दिन में 2 लेक्चर स्कूल में होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट का, तो 10 दिन में हो जाता है। 10 दिन में जब स्कूल में आप पढ़ के आए, जितना स्कूल में पढ़े जितना पढ़े उतना आके घर पर 45 मिनट में आप रिवाइज कर डाले, 40 मिनट में रिवाइज कर डाले,
जितना स्कूल में पढ़ा, दो पेज पढ़ा, दो पेज आके घर पे रिवाइज कर लिया उसको दो बार, ठीक है, 40 मिनट में रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया किताब से, तो ऐसा करने में अमूमन 8 दिन आपको लगेगा। क्योंकि 20% स्कूल में मेमोराइज हो गया था वो चीजें, तो यहां पे जब तुम दो बार उसको रिवाइज करोगे तो कितना पर चला जाएगा, 60 पर चला जाएगा, बिल्कुल 60 पे, बिल्कुल सही कह रही है, 60% पे चला जाएगा। और चूंकि अभी अभी पढ़ा है तो रिटेंशन भी 60% रहेगा, ठीक है। अब क्या करो कि उस चीजों को, उसी चीज को फिर से उसी दिन पढ़ो, सेम टाइम, दो बार आपने रिविजन किया, पहली बार में ये हो गया, दूसरी बार में ये अमूमन हमने लिया है, एक ही चीज का लिया है, तो 8 दिन पूरे का हमने लिया, पूरे का, पूरे सारे लेक्चर्स का, ठीक है ना, 8 दिन लगाओगे तो ऐसा होगा 60% से। अगर उस 8 दिन के अलावा आप 4 दिन और लगाओगे, 8 दिन पहली बार, जैसे कि हमने ये इसमें डाटा लिया है कि 40 मिनट में आप रिवाइज कर दोगे उसको दो बार, जो स्कूल में पढ़ाया गया है, स्कूल में एक पीरियड 40 मिनट का होता है, दो पीरियड 80 मिनट का ऑलमोस्ट, ठीक है, तो 40 मिनट में रिवाइज उसको दो बार किया जाता है, रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 40 मिनट और लगाओ उसको और किताब से खुद पढ़ो, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाया गया है उस टॉपिक को किसी रेफरेंस बुक से, किसी बढ़िया टेक्स्ट बुक से 40 मिनट और पढ़ो, तो ये मेमोरी जो 60% था वो कहां पे पहुंच जाएगा, पूरा 80% के आसपास पहुंच जाएगा, यानी यही चीज 80% के आसपास पहुंच जाएगा, और रिटेंशन भी चूंकि अभी भी पढ़ा है 80% रहेगा। अगले दिन जब आप क्लास में जाओगे, टीचर ने जो कल पढ़ाया है उसमें से अगर पूछते हैं 10 क्वेश्चन, तो आप 8 क्वेश्चन, 80% आपके दिमाग में चीजें हैं, तो लगभग 8 क्वेश्चन का जवाब आप देने की स्थिति में होंगे, होगे कि नहीं होगे, 8 क्वेश्चन जब आप देने की स्थिति में होगे, तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उस पर जवाब दोगे, तो टीचर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चा पढ़ गया है, और बाकी बच्चे भी वाह वाह कहेंगे कि वाह बहुत बढ़िया तुमने जवाब दिया। तुम्हें क्या लगेगा, जब तुम जवाब दोगे, कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है तुम जवाब दोगे, तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा, इंथुजियाज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अपने वर्क का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मैंने रात में जब इतना पढ़ा है तो उसका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मेरे को आउटपुट मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, मिलेगा ना, तो एनर्जाइज होगे कि नहीं होगे, ज्यादा मोटिवेट होगे कि नहीं होगे, होगे ना। आ करके घर पे फिर से पिछले दिन की कहानी थी, 80% पे पहुंचाए थे, 2 घंटा और लगाया इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है, 2 घंटा और लगाएंगे तो ये 80% से कहां चला जाएगा, 95 से 100% पर, ठीक है, और मेमोरी में रिटेंशन भी 95 से 100% की चीज में होगी। यहां पर पढ़ते समय चूंकि 80% चीजें मेमोरी में थी और 20% 15 से 20% चीजें मेमोरी में नहीं थी, इसका एक अर्थ है, क्या अर्थ है, या तो चीजें तुझे ठीक से समझ नहीं आई या वो वाकई मुश्किल थी, ठीक है, मुश्किल तो कुछ होता नहीं है, सीधी सी बातें को समझ में नहीं आई, या कुछ ऐसे डाटा होंगे जो जनरली दिमाग पे नहीं चढ़ रहे, याद नहीं हो रहे, आप उसका एक नोट्स बना लें, ठीक है, एक आध घंटे और लगाओ, सारी चीजें हमने सबको जोड़ लिया है, ठीक है, रोज के हिसाब से बहुत कम समय मिलेगा, बहुत कम समय होगा, तो 15-20 मिनट एक दिन में एवरेज, जो पिछले दिन के काम का है, जो हमें नहीं समझ में आया है, नहीं आ रहा है, उसमें हमने 15-20 मिनट लगाया अगले दिन, और उसका नोट्स बना लिया कि ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो पिछली क्लास में हुआ था और वो मुझे याद नहीं आया था, मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो आपने वो 15-20% चीजों के लिए नोट्स बना लिए, ठीक है। अब ये 90-95% है, उस नोट्स को एक दिन और फिर आपने 10-15 मिनट लगा के रिवाइज कर लिया, और एक सप्ताह बाद फिर 10-15 मिनट लगा के रिवाइज कर लिया, एक दिन के वर्क की बात कर रहे हैं, पूरे वर्क की बात नहीं कर रहे, एक दिन के वर्क की, जो 40 मिनट का आपका वर्क था उसके कोरिस्पोंडिंग, ये सब समय इसमें कैलकुलेट कर लेंगे तो बाद के वर्क के लिए, सेकेंड स्टेज वर्क के लिए 4 घंटे, थर्ड स्टेज के वर्क के लिए 2 घंटे और लास्ट स्टेज के वर्क के लिए 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस में यहां भी काम होंगे, 4-5 स्टेजेस में यहां भी काम होंगे, और ये लग गया टोटल 15 घंटे, और आपकी रिटेंशन 95 से 100% के आसपास है,
यानी अगर तीसरे दिन आप क्लास में जब जाओगे और पिछले जब भी पूछा जाएगा तो उसमें आप ऑलमोस्ट 100% 9 से 10 में से 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन कम से कम जरूर आंसर देने की स्थिति में होगे। तब आपका कॉन्फिडेंस क्या कहेगा, तब आप किसी बच्चे से भी कह सकते हो पूछो मेरे से क्या पूछना है, अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत आसान टॉपिक है, मुझे तो सब कुछ आता है, तुम पूछो कुछ पूछना है तो ठीक है कि नहीं, सीक्वेंस रेज अच्छा बहुत आसान है, पूछो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछो और तुम बताओगे बताओगे तो तुम्हारा जितना लीजर टाइम होगा जिसमें फालतू में गपशप करते हैं बच्चे उसमें किसी न किसी को तुम क्वेश्चन बताओगे बताओगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक रिवीजन होता रहेगा, उसके लिए अलग से कोई एफर्ट और प्लान करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा। कोई आए दिन कोई ना कोई बच्चा कुछ कोई ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब दो, विलिंगनेस दिखाओ बताने के लिए, खुद अपनी तरफ से ऑफर करो ठीक है। तो ब्रेक टाइम, लीजर टाइम, क्लास में कभी खाली टाइम मिला, आते जाते पहले पहुंच गए तब क्लास के बाद किसी न किसी को कुछ बता रहे हैं, नतीजा क्या है कि वो चीजें लगातार ऑटोमेटिक रिपीट होती रही है और जब एग्जाम आएगा तो आपको चूंकि 80-85% चीजें जो आसान थी वो तो रिवाइज होती जा रही है, 15% चीजें जो नोट्स में आपने बनाया हुआ वही मुश्किल था, उसको रिविजन करने के लिए आपको चाहिए घंटा, 3 चैप्टर है तो कितने घंटे चाहिए, 4 चैप्टर है तो कितने घंटे चाहिए, 4 घंटा चाहिए। तो कल भी अगर पेपर है, इवन लगातार भी पेपर है जबकि 2 दिन का गैप रहता है, तो कल अगर पेपर है और आज मैं आया पेपर दे करके तो 4 घंटा निकालना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है ना, तो प्रेशर रहेगा क्या एग्जाम पर, और आउटपुट कितना होगा, 90-95% इवन 100% रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रिटेंशन भी रहेगी और एक बार जब ये रिटेन हो जाएगा तो ये लगातार रिवाइज होता जा रहा है इस प्रोसेस से, तो साल भर बाद भी अगर एग्जाम होगा, 2 साल बाद भी आईआईटी के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा 90-95% चीजें दिमाग में है, स्टोर किया हुआ है, रिटेन है, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, है ना। इसके विपरीत जो बच्चे ऐसा नहीं करते, किताब पढ़ लिया स्कूल से, पढ़ के आए घर पे रिवाइज नहीं किया, अगले दिन उसको रिकॉल नहीं किया, नतीजा क्या होता है, कितना भी बढ़िया से बढ़िया कोई टीचर पढ़ा दे बच्चे के दिमाग में 60% चीजें जाएगी, खूब बढ़िया बच्चा होगा, तो जो आपने कहा बिल्कुल सही, घर आके अगर रिवाइज नहीं करेगा अगले 24 घंटे तक तो हो जाएंगी 40%, अगले 48 घंटे तक रिवाइज नहीं करेगा तो रह जाएंगी 20%, ठीक है, और उसके दिमाग में अगर 1 सप्ताह और रिवाइज नहीं किया तो उसके दिमाग में 10-15% से ज्यादा चीजें नहीं रह जाएगी और वो एग्जाम आएगा तो पैनिक रहेगा ही रहेगा। ऐसे उसने मान लो थोड़ी बहुत 2 दिन बाद रिवाइज भी कर लिया तो कितना रिटेन रख पाएगा, 2 दिन के बाद उसके दिमाग में कितने बातें हैं, 40-30% के आसपास, तो 40% ही रिटेन रख पाएगा, 40% रिटेंशन होने से आउटपुट 100% तो नहीं आ सकती, तो एग्जाम के टाइम में 40% चीजें याद है, 60% चीजें उसे नहीं याद है, तो 60% चीजों को रिवाइज करने के लिए उसे 12 घंटे चाहिए और एक सब्जेक्ट में 12 घंटे तो 4 चैप्टर मिलाकर के एक ही सब्जेक्ट के 48 घंटे रिवीजन के लिए चाहिए, 2 दिन भी गैप मिलता है 2 दिन में 48 घंटे पढ़ना तो उसे संभव नहीं है, तो पैनिक रहता है, उसकी पूरी रिवीजन हो नहीं पाती, रिवीजन नहीं हो पाती, नतीजा क्या होता है, उसे 40-50% नंबर या इवन उससे भी कम आते हैं। तो पढ़ता पूरा है, पूरा दिमाग लगाया, सब कुछ मेहनत एफर्ट इतना किया, रात रात भर जगा और अगले दिन उसे रिवार्ड नहीं मिलता, फिर क्या होता है उसके मन में, क्या आता है, मैं मेहनत तो इतना करता हूं लेकिन मुझे नंबर नहीं आते, वो डिमोरलाइज हो जाता है, डीमोटिवेट होता है, अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका चला जाता है कि मेरी स्थिति में इतना मेहनत करता हूं फिर भी नंबर नहीं आते। तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इतना पढ़ रहे हैं फिर भी स्कूल में नंबर नहीं आते, वो परेशान है, क्यों परेशान है, इसी प्रोसेस की वजह से परेशान है कि उन्होंने पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं लेकिन जो काम 2 घंटे में हो सकता है उसे करने के लिए 10 घंटा खराब कर रहा है, क्योंकि उसका ऑर्डर सेम नहीं है, उसका परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कि कब क्या करना चाहिए और प्रॉपर तरीका नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, नतीजा ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिटेंशन डेवलप करने के लिए जरूरी है कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, एक ही चैप्टर को बार 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 तब तक पढ़ो जब तक कि वो 80-90% तक
चीजें वो दिमाग में ना आए, यानी कम से कम 4-5 बार लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो उसको। पहली बार पढ़ोगे ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी पढ़ोगे उसका 75% लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे एकदम आधा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद होगी, जो याद होगी वो पेज देखते पलट दोगे। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें जाती है, ठीक है कि नहीं? तो आपको फटाफट क्वेश्चंस कंप्लीट होने लग जाएंगे और नतीजा ये होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चैप्टर को एंजॉय करोगे, जो भी पढ़ रहे हो आपके दिमाग में आएगा और स्टोर होगा, दूसरे को बताओगे, टीचर्स को रिप्लाई करोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे आपको लगातार पढ़ने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आप इस तरीके से करेंगे तो आपको जरूर ही रिटेंशन में मदद मिलेगी। और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। आई होप, इतना अभी करके देखिए, आगे जैसा भी होगा और बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।